दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 7 साल के बाद NSUI यानी कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने बड़ी जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर NSUI के रौनक खत्री को जीत मिली है। वहीं संयुक्त सचिव पद पर NSUI के लोकेश विजय ने बाजी मार ली है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कन्हैया कुमार का बताया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, आइए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। NSUI इंडियन नेशनल कांग्रेस की छात्र शाखा है, जिसे छात्र संघ चुनाव में 7 साल के बाद जीत मिली है। लेकिन अब आते हैं मेरे थंब पर कि इस जीत से कन्हैया कुमार को बड़ी कामयाबी कैसे मिल गई है। दरअसल आज से 5 महीने पहले 6 जुलाई को कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को NSUI का प्रभारी नियुक्त किया था और इस बार के छात्र संघ चुनाव में NSUI के लिए कन्हैया कुमार ने ही प्रचार किया, जिसके नतीजे में NSUI को ये जीत मिल गई। और 2 बार लगातार चुनाव में हार का सामना करने के बाद कन्हैया कुमार को बड़ी कामयाबी मिल गई, क्योंकि पिछले दोनों चुनाव में कन्हैया कुमार कुछ खास नहीं कर पाए, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी के मनोज तिवारी ने उन्हें इसमें शिकस्त दे दी, जिसके बाद हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनाव में भी कन्हैया कुमार ने कांग्रेस के लिए जमकर प्रचार किया था, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में भी कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। मगर इस छात्र चुनाव में कन्हैया कुमार ने अपना दमखम दिखा दिया है। वहीं अब आपको बताते हैं कि इस चुनाव में बाकी पदों पर किसको जीत मिली है। तो उपाध्यक्ष पद पर ABVP के भानु प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है और सचिव पद पर भी ABVP की मित्रा विंदा कनवल ने जीत दर्ज की है। आपको ये भी बता दें कि इस चुनाव में कुल 52 कॉलेजों और विभागों ने वोट डाले थे। इस साल 1,35,000 मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे कम संख्या है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।